हेलो फ्रेंड्स बिगनर बॉक्स टू मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म नीट के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है टू कॉन्सेंट्रिक को प्लेनर कॉयल्स ऑफ इक्वल टर्न्स हैव है टेन एंड थर्टी सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली सेम करंट फ्लोइंग इन बोथ कॉइल्स इन सेम डायरेक्शन नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड इन वन कॉयल देन रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो हमें यहाँ पे दोनों में करंट सेम दिया है आई वन दोनों में सेम है और एक का रेडियस हमें दिया है टेन सेंटीमीटर दूसरे का रेडियस हमें दिया है थर्टी सेंटीमीटर दिया है कि दोनों में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो इक्वल हैं यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन वन एंड टू आर सेम तो अब हमें करना क्या है हमें लगाना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल का फार्मूला म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर जब इन दोनों में सेम डायरेक्शन का करंट था तो उस केस में हम मान लेते हैं बी इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर था और क्योंकि दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे तो हम लिखेंगे म्यूनोट एन आई अपॉन टू इंटू पॉइंट वन टेन सेंटीमीटर के लिए इसी तरीके से म्यू नॉट एन आई अपॉन टू ज़ीरो पॉइंट थ्री थर्टी सेंटीमीटर के लिए इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन टू क्या बचेगा इनफैक्ट हम पॉइंट वन भी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा वन प्लस वन बाय थ्री ये हमें क्या देगा तो ये हमें देगा म्यू नॉट एन आई अपॉन ज़ीरो पॉइंट टू इन टू फोर बाय थ्री ये हमारा पहले का मैग्नेटिक फील्ड आया जब इनके जो डायरेक्शन ऑफ करंट था वो सेम था अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें कि डायरेक्शन ऑफ़ करंट रिवर्स हो गया तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करने से क्या होगा अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनका डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट हो जाएगा वंस अगेन म्यू नॉट एन आई अपॉन ज़ीरो पॉइंट टू कॉमन ले लेते हैं वन माइनस वन थ्री ये क्या देगा म्यू नॉट एन आई अपॉन ज़ीरो पॉइंट टू और ये हमारा क्या आ जाएगा टू बाय थ्री तो ये हमारा इक्वेशन टू बन गया दोनों केस में हमसे रेशो पूछा है तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या मिलेगा बी इनिशियल ओवर बी फाइनल इनिशियल में था फोर बाय थ्री फाइनल में होगा टू बाय थ्री तो टू नीचे थ्री ऊपर ये कितना आया टू इस टू वन टू इस टू वन यानी कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा तो क्वेश्चन में बेसिकली एक तो कॉयल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इलास्टेट किया गया है दूसरा आपको ये बताया है कि डायरेक्शन ऑफ करंट बदलने से मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से डायरेक्शन बदल लेता है और उससे रिजल्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है तो इजी क्वेश्चन था एज सच इसमें आपको कुछ डेटा भी ऐसा नहीं लेना है रेशो में कॉमन क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी बिगिनर बॉक्स सोल्यूशन के वीडियोस के साथ ही मैं आपको क्विक रिजन वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं मेरे इसी चैनल पे और मेरे हर बिगिनर बॉक्स के सोल्यूशन वीडियोस से पहले वो पोस्ट किया जाएगा जिसका पर्पस आपको एक तरीके से बिगिनर बॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना है और आपके बिगिनर बॉक्स से पहले की जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करना है तो प्लीज़ अगर आपको बिगनर बॉक्स को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्विक रिविजन एक्सरसाइज वीडियो देखना ना भूलें सो फॉर दैट यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन और अगर आपको मेरे क्विक रिविजन एक्सरसाइज या मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है क्वेश्चन नहीं बनता ब्लॉग अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं यही कंटेंट मैं फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन नहीं बनता पर पोस्ट करूंगा और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं